जैसे हर एक कार्यकर्ता, देखिए जिनको पद मिलता है उन्हीं की जिम्मेवारी नहीं है, सबकी जिम्मेवारी है, लेकिन जिस तरह से कुछ लोग ऐसा परसेप्शन बनाने का प्रयास कर रहे थे, एक्चुअली में पॉलिटिक्स में टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने माननीय नेता से पद मांगा नहीं था, उन्हें खुद दिया। तो गलत है ना भाई, आप इतने बड़े नेता हैं, आपको लोग सामाजिक न्याय का पुरोधा मानता है, और आप एक दलित नेता को इसलिए ये जात से करिएगा सम्मानित, क्या आप उसे हैं? तो उनका जवाब तो देगा, आज अब दलित उस स्थिति में थोड़ी है कि आप उसके पछुआ में झाड़ू बांध के उसको बांध करके आप घुमाइएगा। आज दलित उस स्थिति में नहीं है, अगर आप उस तरह से बात करिएगा तो दलित भी आपको उसी तरह से जवाब देगा। तो जीतनराम मांझी ने उसी भाषा में जवाब दे दिया। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। दरअसल राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद अशोक चौधरी सीएम हाउस पहुंचे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन्होंने मुलाकात की है। अशोक चौधरी ने जवाब दिया है कि जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे उनको ये करारा जवाब है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमें बड़ी जिम्मेवारी दी है। यह पूछा गया कि क्या ये ट्वीट का असर है जिस प्रकार से आपने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हमें राजनीति में दो बार दुख हुआ था और अब पार्टी ने हमें बड़ी जिम्मेवारी दी है, और जिम्मेवारी हमें नहीं पूरी पार्टी को है। साथ ही साथ संजय झा ने कल उन्हें फोन किया था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का उनके लिए फोन आया था और आज उन्होंने फोन कर बधाई भी दी। नीतीश कुमार से मुलाकात करने के बाद अशोक चौधरी ने किस तरीके से अपनी पूरी बातों को रखा है आप खुद सुनिए। ये पार्टी नेता का प्यार है, स्नेह है, और हम समझते हैं कि जब हम कांग्रेस पार्टी से यहाँ आए थे तो 2020 में माननीय नेता ने न सिर्फ कार्यकारी अध्यक्ष पार्टी का बनाया, फिर चुनाव के बाद विभिन्न जगहों पर जिम्मेवारी भी दी, महत्वपूर्ण काम की जिम्मेवारी भी दी, विभिन्न चुनावों में भेजने का काम भी किया, और फिर राष्ट्रीय महासचिव बनाए हैं। मेरा प्रयास होगा कि माननीय नेता के का जो उम्मीद है, माननीय नेता का जो जिस भाव से उन्होंने हम बनाया है उस पर हम अपना खड़ा उतरने का प्रयास करें। ट्वीट का तो असर तो नहीं दिख रहा है। बड़ी पॉलिटिक्स में सब छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान नहीं दिया जाता है। सर, आने वाला विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर से पहले आपको जिम्मेदारी मिली है, तो लग रहा है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है नीतीश कुमार ने। जैसे हर एक कार्यकर्ता, देखिए जिनको पद मिलता है उन्हीं की जिम्मेवारी नहीं है, सबकी जिम्मेवारी है, लेकिन जिस तरह से कुछ लोग ऐसा परसेप्शन बनाने का प्रयास कर रहे थे, एक्चुअली में पॉलिटिक्स में टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने माननीय नेता से पद मांगा नहीं था, उन्होंने खुद दिया है। संजय झा जी हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने बताया हमको कल कि नीतीश जी का फ़ोन आया था आपके लिए, तो हम लोग कल और आज उन्होंने फ़ोन करके बधाई दी। तो ये भी नहीं बताया कि किसके क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय महासचिव का आज निकला तो निश्चित रूप से हमारे लिए भावुक पल है कि राजनीति में दो बार हमें बड़ा कष्ट हुआ था। एक कष्ट हुआ था जब हमने कांग्रेस पार्टी छोड़ा था, राजनीतिक रूप से बहुत भावुक हुए थे इसलिए कि हमने जान प्राण लगा के कांग्रेस को खड़ा करने का प्रयास किया था प्रदेश में, और वहाँ पर अगर कोई आदमी आपको प्रताड़ित करने लगे ये कह करके कि लांछना लगाने लगे तो फिर हम असहज हो गए। फिर हम नीतीश जी ने बुलाया और हम चले आए। दूसरी बार अभी हमें लगा कि हमको लोग घेरने का प्रयास कर रहा है, तो ठीक है, समय आता है कभी आदमी जीवन में। हम यही जानते हैं कि प्यार करना है तो माता पिता से करो, महादेव से करो, सम्मान करना है तो अपने नेता करो, आदर उनका करो, बाकी से कोई मतलब नहीं है, बाकी कोई कुछ बोले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और हमको लगता है कि हमको उसका रिटर्न मिला। आपको राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गए हैं, झारखंड में चुनाव भी है, तो झारखंड में कितने सीटों पे चुनाव? एक निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष करेंगे। हमने पहले भी कहा है, हमारे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन से बातचीत चल रही है, बातचीत सकारात्मक है। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय झा जी लगातार संपर्क में है, कुछ फ्रूटफुल होगा और हम आशान्वित हैं कि पार्टी के लिए कुछ अच्छा होगा।
और जब होगा हम उसकी खबर मीडिया के माध्यम से सब लोग को देंगे। अशोक चौधरी जी, जिस प्रकार से इंडिया अलायंस यहाँ पर नैरेटिव बना रहा है कि आरक्षण का मुद्दा, जाति गणना का मुद्दा, अब बिजली मीटर का मुद्दा लेकर के चल रहे हैं, जातीय गणना में लगता है कि क्या उनके पास नैरेटिव लड़ने का मुद्दा नहीं बचा? देखिए, नहीं है, सही में मुद्दा नहीं है उनके पास, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और उनका रिजल्ट आने वाले समय में, मैं दावा के साथ कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं राष्ट्रीय महामंत्री बना हूँ, मैं पहले से कह रहा हूँ कि 2010 से भी खराब स्थिति आरजेडी की, गठबंधन की, इस प्रदेश में आने वाले चुनाव में होगी। बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स भी हो रहे हैं, अब सीधे आमने सामने शब्दों का उच्चारण जो हो रहा है, वो जितना मांझी ने कहा कि आप गरेड़िया नहीं, उन्होंने कह दिया आप मुसर है, क्या क्या लगता है कि राजनीति में नहीं? नहीं, देखिए आप है क्या कि आप जितना मांझी को इसलिए टारगेट करिएगा कि वो मुसर बिरादरी से आते हैं, ये तो गलत है ना भाई। आप इतने बड़े नेता हैं, आपको लोग सामाजिक न्याय का पुरोधा मानता है, और आप एक दलित नेता को इसलिए ये जात से करिएगा सम्मानित, क्या आप मुसहर हैं? तो उनका जवाब तो देगा आज, अब दलित उस स्थिति में थोड़ी है कि आप उसके पछुआ में झाड़ू मांग के उसको बांध करके आप घुमाइएगा, आज दलित उस स्थिति में नहीं है। अगर आप उस तरह से बात करिएगा तो दलित भी आपको उसी तरह से जवाब देगा। तो जितना मांझी ने उसी भाषा में जवाब दे दिया, आप अगर नीचे स्तर गिराइएगा तो अगला क्या करेगा? अगला आपसे आप गाली दीजिएगा तो आपको आपको संस्कृत का दोहा थोड़ी सुनाएगा आपको। राहुल गांधी जिस प्रकार से विदेश में भाषा बोल रहे हैं, आप किस प्रकार से देखते हैं? नहीं, हम डिसएग्री करते हैं, प्रिंसिपली हम डिसएग्री करते हैं। राहुल गांधी जी का बहुत सम्मान है, लेकिन हम प्रिंसिपली डिसएग्री करते हैं। विदेशी सरजमी पर अपने देश की किसी भी ऐसी बात को कहना, और ऐसी बात से जिसमें कि कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो देश में, उस तरह के किसी भी बात से कहीं भी इनकार करना चाहिए। अगर आप विदेशी सरजमी पर हैं, हमारे घर के अंदर किसी का भी डिस्प्यूट हो, भाई से डिस्प्यूट हो, माँ से डिस्प्यूट हो, बाप से डिस्प्यूट हो, लेकिन पड़ोसी को ये नहीं मनकारी होना चाहिए कि हमारे घर में डिस्प्यूट है। और विदेशी सरजमी पर राहुल गांधी को अटल बिहारी वाजपेयी जी का यूएनओ में भाषण सुनना चाहिए। जब यूएनओ में नेता विपक्ष के रूप में यूएनओ में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी गए थे, किन शब्दों का प्रयोग किया था, किन लहजों का प्रयोग किया था, उनका बॉडी लैंग्वेज क्या था, ये आने वाली पीढ़ी को सीखना चाहिए। ठीक, थैंक यू।